बिना बोले ब्लॉग कैसे शूट करें। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की यह सवाल है कि सर, हम चाहते हैं कि बिना बोले ब्लॉग शूट कर ले वहाँ जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक रहते हैं, जैसे कि पार्क है, मंदिर है, या रेस्टोरेंट है, या कहीं पे भी हम शूट कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे हम चाहते हैं कि बिना बोले हम अपनी ब्लॉग शूट कर ले, तो कैसे करें, कुछ आइडिया बताइए। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप शूट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड, बिना समय गए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आपको शर्म आती है और पब्लिक प्लेस में हम बोल नहीं पाते हैं, तो मैं तो ये आपको ज्ञान नहीं दूंगा कि आप बिना बोले रिकॉर्ड करें। मैं ये चाहूँगा कि आप भी बोलकर अपनी अंदर की जो डर है उसको दूर भगाकर आप भी पब्लिक प्लेस में बोलकर अपनी ब्लॉग शूट करें। तो कैसे करेंगे, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी डर को दूर भगाना है। और डर को कैसे दूर भगा सकते हैं, वहीं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि अगर आपको ज़्यादा शर्म आती है और आप ये भी चाहते हैं कि हम बिना बोले ही अपना ब्लॉग शूट करें, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने डर को कैसे दूर भगा के आप बोल के पब्लिक प्लेस में कैसे शूट कर सकते हैं अपना ब्लॉग, वहीं हम सबसे पहले आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी डर को अपना डर बना के रखें और डरते रहें और बिना बोले ही अपनी ब्लॉग शूट करते रहें। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप भी बोले और आप भी अपने डर को बाहर निकालें, और अपने डर को बाहर निकाल लेंगे तो आप भी पब्लिक प्लेस में अपने कॉन्फिडेंस के साथ, यानी आपकी जो भी कॉन्फिडेंस रहेगी उसके साथ आप बोल पाएंगे पब्लिक प्लेस में। तो मैं यही चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूँ। तो आपको यह करना है फ्रेंड्स कि आप जब भी ब्लॉग शूट करें वहाँ जहाँ पब्लिक है, यानी जहाँ पे पब्लिक है वहाँ पे शूट करें, तो कैसे करें कि आपको बोलना है और डरना भी नहीं है। तो सिंपल तरीका बताऊँगा फ्रेंड। देखिए, बहुत से लोग हैं, यानी आपके भी फ्रेंड होंगे और हमारे भी फ्रेंड होंगे, हर एक लोग के कोई ना कोई फ्रेंड होता ही होता है जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं बिना डरे। कुछ भी, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारी बात होती है दिल की, हम शेयर कर लेते हैं बिना डरे, बिना सोच समझ के बोले। यानी हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता है दोस्त के साथ कि मैं दोस्त से सोच के बोलूँगा कि ये करना है, सोच सोच के बोलना है, तो सोच के नहीं बोलना है। तो आपको अपने कैमरे को दोस्त बना लेना है, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ ये कि अपने कैमरे को दोस्त बना लेना है, क्योंकि दोस्त अगर आप बना लेते हैं फ्रेंड, तो कैमरा अगर आपका दोस्त हो जाएगा तो आपको डर नहीं लगेगा कि हम कैमरे के सामने बोल रहे हैं। आपका जैसे मान लीजिए राहुल है दोस्त, तो आप अपने कैमरे को राहुल नाम रख दीजिए और बोलिए कि राहुल, मैं आज आया हूँ इस पार्क में और यहाँ पे जो भी देखने वाला चीज़ है मैं आज दिखाऊंगा, और पापा आए हैं, मम्मी आए हैं, सब लोग, हम लोग आए हैं आज घूमने इस पार्क में, बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा है। मतलब इस तरीके से आप बात करेंगे तो आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको फिर भी डर लग रहा है, तो अब आपको करना क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिंपल तरीका बताऊंगा। अगर डर लगता है, ज़्यादा डर लगता है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, आपकी शर्म दूर नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे ये करना है कि पब्लिक प्लेस में अगर आप अपनी ब्लॉग शूट करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये जो कैमरा है ना, कैमरा को अपना दोस्त तो बना ही लेना है, ये पहला पॉइंट है। और वहाँ पे अगर चारों तरफ तो लोग होंगे, पार्क है तो लोग दिखेंगे ही दिखेंगे, बहुत से लोग दिखेंगे, तो वहाँ पे जब आप शूट करेंगे तो सब आपके सामने देखेंगे ही देखेंगे कि ये बंदा क्या बक रहा है, क्या कर रहा है, आखिर ये क्या बक रहा है कैमरे के सामने। तो आपको, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं कहने वाला हूँ इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। आपको उन लोगों को, जो लोग आपको देख रहे हैं या फिर आप शूट कर रहे हैं, तो चारों तरफ लोग हैं और जो आपकी तरफ देख रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं तो देख रहे हैं। अगर आप ये सोचते रह जाएंगे कि वो लोग जो हैं, मैं बोल रहा हूँ तो क्या कहेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या सोच रहे होंगे अपने मन में, तो अगर आप यह सोचते रह जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो आप अपनी ब्लॉग कभी शूट नहीं कर पाएंगे बिना बोल, यानी बोल के, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो भी लोग अगर आपके तरफ देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं आपको, तो आपको ये ध्यान में देना है कि हमारे पास ये जो कैमरा है सिर्फ कैमरा है और हम हैं, हमारे अगल बगल आजू बाजू जो
कोई भी दिख रहा है, कोई है ही नहीं, सिर्फ हम हैं और कैमरा है, और मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और कोई नहीं है, बस ये समझना है, ठीक है। चाहे लाखों लोग हो उससे नहीं मतलब है, आपको सिर्फ यही समझना है कि कैमरे के सामने मैं हूँ और कैमरा है, बस यही दो ही लोग हैं, और कैमरे के अगल बगल या पार्क में कोई है ही नहीं, ऐसा आपको फील करना है, अपने आप को समझाना है और फिर बोलना है, फिर आपको देखना। अगर आप बोल नहीं पाए तो फिर आके भाई के वीडियो पे कमेंट करके कहना कि भाई ने जो ट्रिक बताया वो काम नहीं किया। भाई ये ट्रिक नहीं, ये रियल है, कोशिश है, कोशिश करेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे और आपकी दूर जो डर है फ्रेंड्स वो दूर ज़रूर भाग जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आपको कर लेना है, ये अगर आप करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है डर की तो डर दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस को जो मैंने बताया आगे कि इस प्रैक्टिस को आपको करते रहना, इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपकी डर दूर भगती जाएगी, ठीक है। और साथ ही अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है, आप ज़्यादा शर्माते हैं और शूट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, जो भी आप दिखाना चाहते हैं यानी जो भी बोल के रिकॉर्ड करना चाहते हैं वही बिना बोले आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी देख सकते हैं मेरा टेक वीडियो शूट हो रहा है, मैं इसमें ही थोड़ा आपको समझा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मान लीजिए कि ये चीज़ हम दिखाने वाले हैं, वहाँ पे मेरा बाइक लगा हुआ है, वहाँ पे पेड़ है जो महुआ है उस महुए का पेड़ है, और वहाँ पे एक आम का पेड़ है, और ये इसमें गेहूँ बोया है, मैं गेहूँ के खेत में अपनी वीडियो जो है इस तरीके से शूट कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो हम बिना बोले ही इस तरीके से देखिए चुपचाप होकर हम बिना बोले ही इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। हम चाहे तो आप फेस भी दिखा सकते हैं या फिर बैक कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से हम जो भी दिखाना चाहते हैं तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। आपको भी रिकॉर्ड कर लेना है। अब फ्रेंड्स इसमें भी अगर आप बोले नहीं हैं तो इसमें भी आप बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, देखिए आप बिना बोले तो अपनी ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिए, अब लोग कैसे जानेंगे कि ये यह चीज़ दिखा रहे हैं, ये यह चीज़ है या यह पार्क है, ये यहाँ का पार्क है, तो कैसे जानेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीका बताऊँगा, जो भी आप ब्लॉग शूट किए हैं बिना बोले तो आप क्या कीजिए, जो भी वीडियो एडिटर से आप वीडियो एडिट करेंगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिलता है, आप उस पर वॉइस ओवर कर लीजिए। जैसे कि आपने जो भी दिखाया तो आप उसमें जब एडिटिंग करें तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर करेंगे, तो इससे ये होगा कि जो भी आप दिखा रहे हैं तो वहाँ से बोलते जाए कि फ्रेंड्स ये यह है, यह है, ये पार्क देवरिया का, यह पार्क मतलब यहाँ पे इस पार्क में ये चीज़ देखने को मिलता है, उस तरीके से जो सीन आता जाएगा उसके साथ आपको बोलते जाना कि यह चीज़ है, यह टॉफ़ी है, यह नमकीन है, यह बिस्कुट है, यह मोबाइल है, या कैमरा है, इस तरीके से जो भी आप मतलब दिख रहा है उस वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं वो चीज़ आपको बोलते जाना है कि यह चीज़ आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यही आपको कहूँगा कि आप मैंने जो तरीका बताया कि बोल कर रिकॉर्ड करें, आप अपनी दूर डर को दूर भगाइए, तो वो वाला तरीका को आप अपनाइए फ्रेंड्स, क्योंकि उस तरीके को अपनाएंगे तो आप हमेशा बोल पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे और आपकी डर जो है दूर हो जाएगी। अगर आप बिना बोले बोलते रहेंगे तो आप गूंगा टाइप के हो जाएंगे और आप मतलब आपकी जो बोलने की जो मतलब डर है ना आपको हमेशा वो आपके ऊपर मतलब डराता ही रहेगा, तो आपको डर को भगाना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस यही बतानी थी, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगी तो कमेंट करके हाय हेलो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।